प्रिय बच्चों, हमारा अशोक का धाम चल रहा था। आज हम अशोक के धाम के बारे में सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो व्यवहारिक पक्ष में अपन ने बात करी व्यवहारिक पक्ष। अब व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत मैंने आपको 6-4 पॉइंट गिनाए थे, बताए थे। इसके बाद में 6-4 पॉइंटों के बाद में जो भी उन्होंने कार्य किए, अगला है धम्म मंगल। धम्म मंगल इनके अलावा धम्म मंगल धम्म मंगल के विषय में अशोक ने अपने 90 शिलालेख थे। 90 शिलालेख में कहा है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत बहुत सारे धार्मिक कार्य करता है, मंगल कार्य, मांगलिक कार्य करता है, जैसे विवाह, कुआ पूजन, शादी समारोह का सूचन करता है, मांगलिक कार्य करता है। लेकिन अशोक कहता है इन धार्मिक मांगलिक कार्य को अंतर्गत धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त उसको मंगलाचार के लिए धम्म मंगल, अशोक अपनी प्रजा के लिए धम्म मंगल करने का आह्वान करता है। इसके अंतर्गत दासों से लोगों के साथ दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन दास और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, प्राणियों के साथ दयालुता का कार्य करना चाहिए, प्राणियों के साथ, गुरुजनों के साथ, गुरुजनों के साथ, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनका अपने समाज के अंतर्गत उनको धम्म मंगल यानी इस प्रकार के मांगलिक अवसर, जो मांगलिक अवसर थे उन पर यानी कि शादी विवाह को पूजन जो भी कार्य करते हैं, धार्मिक जो मंगल करते हैं, इन धम्म के लिए धम्म मंगल का कार्य करना चाहिए। यानी कि गुरुजनों का आदर करने से दास और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने धम्म मंगल के अंतर्गत अपना कार्य बताया। इसके बाद धम्मदान, दूसरा क्या है धम्मदान। जिस प्रकार व्यक्ति अशोक ने अपने 11 शिलालेख में सामान्य दान धम्मदान का अंतर प्रस्तुत किया, यानी कि 11 शिलालेख में धम्मदान और सामान्य दान, धम्मदान और सामान्य दान में अंतर व्यक्त किया है, यानी कि सामान्य दान और धम्मदान में अंतर व्यक्त किया है। इस शिलालेख के अनुसार धम्मदान का उच्चतम रूप है तथा इसका किसी धर्म के विषय में बताना, धर्म में भाग लेना, धर्म से संबंधित स्थापित करना, धम्मदान कोई भी किसी भी धम्मदान कोई भी किसी भी
किसी को भी कर सकता है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, भाई भाई को, कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी को दमदान कर सकता है। यानी कि दमदान सामान्य दान और दमदान को उन्होंने अंतर्गत किया कि दमदान कोई भी व्यक्ति किसी को भी कर सकता है, पिता पुत्र को कर सकता है, पुत्र पिता को कर सकता है, भाई भाई को कर सकता है। यानी कि इस प्रकार दमदान साधारण दान से उत्तम है। यानी कि ये सर्वोपरि बताया, किसने बताया? अशोक ग्रंथ ने 11वें शिलालेख के अंदर। अगला है धम्म विजय। यदि व्यक्ति अपने साथ 13वें शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में अशोक ने धम्म विजय पर बल दिया। यानी कि जो सामान्य विजय है उससे कहीं ऊपर धम्म विजय है। यानी कि जनता के साथ भलाई का प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, न केवल साम्राज्य भ्रष्ट प्रांतों में अपितु उसके पड़ोसी राज्यों में भी कर सकता है। अशोक ने कहा है कि धम्म द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वह प्रेम से परिपूर्ण होती है। अशोक ने कहा है कि जो विजय धम्म के द्वारा प्राप्त होती है प्रेम पूर्ण और सौहार्द होती है। अगला है सहिष्णुता। सहिष्णुता अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता व्यवहार करना बताया तथा अन्य धर्मों की उन्नति की कामना की। इसी शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जो मनुष्य अपने धर्म की पूजा करता है और अन्य धर्मों की निंदा करता है वह अपने धर्म को ही हानि करता है। यानी कि अशोक ने कहा कि जो मनुष्य अपने धर्म की पूजा करता है और अन्य धर्मों की निंदा करता है ऐसे करने से अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है। इसके बाद में अहिंसा पांचवा, अहिंसा। अहिंसा का पालन करना भी नितांत आवश्यक है। अशोक ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, वे उसका प्रचार किया। अनारंभो प्राणी एवाय भूताना, समस्त प्राणियों के लिए अहिंसा धम्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसी कारण अशोक ने 13वें शिलालेख में अशोक ने सर्वभूताना अस्ति चे संचय चे का प्रचार किया। ये सब क्या थे? अशोक के व्यवहारिक पक्ष थे। अब है निषेधात्मक पक्ष, दूसरा है अपना निषेधात्मक पक्ष। नंबर एक दूसरा है निषेधात्मक पक्ष। निषेधात्मक पक्ष अशोक के धम्म का निषेधात्मक पक्ष भी है, जिससे वे विभिन्न कार्य को नहीं करने के कारण आह्वान करता है। धम्म इस पहलू को सिर्फ एक शब्द अपासी हुए
अर्थात मूल तब असी नव से स्पष्ट किया जाता है। अब आसीन वर्ब, अब आसीन नव, अब आसीन नव यानी कि इसका अर्थ होता है अब आसीन नव का अर्थ न्यूनतम असीनों से स्पष्ट किया जा सकता है। अशोक ने तीसरे जबलेख में असीनों का अर्थ स्पष्ट किया। अशोक ने में तीसरे अभिलेख स्तंभलेख में अभिलेख में असीनों का अर्थ स्पष्ट किया। तीसरे स्तंभलेख में असीनों का अर्थ स्पष्ट किया, इसलिए असीनों का अर्थ है अशोक पाप मानता है। असीनों का अर्थ अशोक क्या मानता है? पाप, यानी कि पाप करता है, यानी जो गलत कार्य करता है असीनों करता है, निषेधात्मक करता है, उसको पाप मानता है और उसको उन हानिकारक विचारों का वर्णन करता है जो उसको असीनों से उत्पन्न होता है। और यह भी कहा उन्होंने स्पष्ट किया कि असीनों क्या क्या है, यानी कि पाप जो कार्य करता है वो असीनों कौन कौन से जो उसको नहीं करने चाहिए। नंबर एक चंडीय, चंडीय चंडे का अर्थ होता है उग्रता, उग्रता। नंबर दो निठूरीय, निठूरीय निठूरीय का अर्थ होता है निष्ठुरता, निठूरीय निष्ठुरता। निष्ठुरता अगला है क्रोध, घमंड। अगला है माने, क्रोध का मतलब क्रोध ही होता है, माने यानी घमंड, माने का होता है घमंड। और ईर्षा, ईर्षा ईर्ष्या, ईर्ष्या को भी ईर्ष्या ही हो जाती है। इस प्रकार अशोक को निषेधात्मक पक्ष में इन्होंने कहा कि चंडी यानी उग्रता नहीं रखनी चाहिए, निठुरता निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, माने घमंड नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको ये निषेधात्मक पक्ष है, इनको व्यक्ति को कार्य नहीं करने को मना करते, इस प्रकार कार्य उसको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अशोक के धर्म के उपयुक्त विकारों द्वारा विकारों से दूर रहने तथा इस प्रकार असीनों से बचने के लिए तीसरे स्तंभलेख में अशोक कहता है कि मनुष्य अपने सुकृतों को तो देखता है और उन सुकृतों को देखकर सोचता है कि यह उसने किया है, परंतु वह कभी अपने असीनों को नहीं देखता और नहीं यह सोचता है कि पाप उसने किया। अशोक ने असीनों से बचने के लिए अब और उसे दूर करने के लिए अनेक मार्ग भी बताया और यह मार्ग आत्मनिरीक्षण का है, यानी कि यह मार्ग आत्मनिरीक्षण का है, निरीक्षण का, यानी कि आत्मा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको आत्मनिरीक्षण कहा जाता है, कि गलत कार्य न करते हुए कार्य करना चाहिए। अभिलेखों में आत्मनिरीक्षण परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार धर्म का प्रमुख सिद्धांत आत्मनिरीक्षण भी है, क्योंकि इसका पालन किए बिना
मनुष्य अपने पापों को नहीं पहचान सकता तथा जब तक वह अपने पापों को नहीं जानेगा तब तक उसे मुक्त भी नहीं हो सकता। अशोक का धर्म केवल मनुष्यों के लिए नहीं पर समस्त प्राणियों के लिए है। इसी कारण अशोक ने समस्त जीवों के लिए अनेक प्रकार के परोपकारी कार्य किए। अशोक स्वयं इस बात को स्वीकार करता है और सातवें स्तंभ लेख में कहता है, मार्गों में मैंने बरगद के पेड़ लगवाए जिनसे मनुष्य पशु दोनों को छाया दे। आम के बाग लगवाए, कुआं खुदवाए, बावड़िया धर्मशालाएं क्या करवाए क्योंकि मनुष्य पशु को सुख मिल सके। इस प्रकार अशोक ने अपने अशोक के जो धर्म है उसमें रूढ़िवादी कर्मकांड गूढ़ क्रियावादी दर्शन मूलक अथवा सूक्ष्म तत्पेशी नेता वह तो अति सरल विशुद्ध व्यवहारिक तथा सर्वे आचार तत्वों से संबंधित था। अशोक का धर्म मात्र उद्देश्य की नहीं पर व्यवहार रूप में क्रियान्वित करने की वस्तु थी। अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया उसका स्वयं अपने जीवन में पालन भी किया। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को भी धर्म का अनुसरण करने का पुरस्कार दिया। इसके बाद अशोक के धर्म को अपनाने के कारण क्या थे और उसके धर्म का स्वरूप क्या था। यदि अशोक के धर्म की नीति को उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार देखा और धर्म का अनुसरण और प्रचार करने के बाध्य किया। मौर्य काल तक हुए सामाजिक परिवर्तन तथा साम्राज्य विस्तार ने इस युग को आपातकाल स्वरूप दे दिया। अतः से सुदृढ़ नियंत्रण शक्ति का होना परम आवश्यक था। इस राजनीतिक परिवर्तन ने ऐसी विस्तृत नागरिकता को जन्म दिया जिसका संबंध सिर्फ स्थानीय घटनाओं से नहीं था। ऐसी स्थिति में नवीन मत अपनाने वे उसके सक्रिय प्रचार करने छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। इस विधि के द्वारा विविध प्रदेशों छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। बौद्ध धर्म इस परिस्थितियों में ब्राह्मण धर्म से अधिक उपयुक्त था क्योंकि इनमें एक अधिक व्यापक सामाजिक चेतना पर बल दिया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म में सामाजिक उत्तरदायित्व मुख्य थे। प्रत्येक जाति अपने दायरे तक ही सीमित था। इसके अतिरिक्त सर्वविदित राज्य में से किसी में अशोक बौद्ध नहीं था। शासक बनने के लिए अशोक ने कड़ा संघर्ष करना पड़ा। संभव है उसने संघर्ष और रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग से समर्थन नहीं मिला। अतः सम्राट बनने के पश्चात उसने बिना किसी धर्म के विरोध किए बौद्ध धर्म का समर्थन किया। यदि यह कई कारण थे जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मौर्य काल में केंद्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर नियंत्रण होना आवश्यक था। ऐसे करने के लिए अशोक ने सिर्फ दो मार्ग थे, एक तो सैन्य शक्ति और दूसरा आत्मदेवत्व। अशोक ने दूसरे मार्ग को ही चुना और धर्म को एक नवीन एकता के लिए प्रतीक रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार देखते हैं कि अशोक ने जो कार्य किए वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करवाए थे। अगले वीडियो के अंतर्गत इसको हम और आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे।